मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और इसी तरह गेट करार की एक खतरनाक शर्त ने हमारे देश को एक और बड़े खतरे में डाल दिया। हमारे देश में पहले एक कानून था कि जो बीज होता है, सीड्स जो होता है, वो सीड्स पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता रही है कि ये जो बीज है वो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, ईश्वर ने बनाया, परमपिता परमात्मा ने बनाया, इसको आदमी ने नहीं बनाया। तो इसलिए ये माना जाता है कि बीज जो होता है, सीड्स जो होते हैं, वो परमपिता परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसलिए वो पेटेंट के दायरे के बाहर है, उनको पेटेंटेबल नहीं माना जाता इस देश में। अब गेट करार ने शर्त बदल दी। गेट करार की शर्त यह हो गई है कि सभी बीज अब पेटेंट के दायरे में आ गए। पहले हमारे यहां बीज होते थे डिस्कवरीज, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, पहले बीज होते थे सब डिस्कवरीज, अब पेटेंटेबिलिटी की दायरे में आने के बाद बीजों को सरकार ने इन्वेंशंस जैसा मानना शुरू कर दिया। और खतरनाक स्थिति यह बना दी है कि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बोथ आर पेटेंटेबल इन अवर कंट्री नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेट एग्रीमेंट। ये गेट करार के आधार पर अब डिस्कवरीज भी पेटेंटेबल हैं, इन्वेंशंस भी पेटेंटेबल हैं। तो सीड और बीज जो पहले पेटेंट के दायरे के बाहर थे, अब वो पेटेंट के दायरे में आ गए। जब बीज पर पेटेंट नहीं होता और बीज पर पेटेंट होता, उसमें फर्क क्या होता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। पेटेंट का माने होता है पूरा अधिकार उत्पादन करने का, बेचने का और मुनाफा कमाने का। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये पेन पर मेरा पेटेंट है, इसका मतलब यह है कि इस पेन को मैं ही बनाऊंगा और मैं ही बेचूंगा और मैं ही मुनाफा कमाऊंगा, दूसरी कोई कंपनी इस पेन को ना बना सकती है, ना बेच सकती है, ना मुनाफा कमा सकती है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस पेन पर मेरा पेटेंट नहीं है और किसी का भी पेटेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस पेन को कोई भी कंपनी बनाएगी, कोई भी कंपनी बेचेगी, कोई भी कंपनी मुनाफा कमाएगी। अगर इस पेन पर पेटेंट नहीं है तो इस पेन को बनाने वाली हजारों कंपनी होंगी, और अगर इस पेन पर पेटेंट है तो इसको बनाने वाली एक ही कंपनी होगी। अब अगर हजारों कंपनी यह पेन बनाती है तो आप सोचो, उन हजारों कंपनियों में आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो यह पेन सस्ते से सस्ता मिलेगा। लेकिन कोई एक कंपनी अगर यह पेन बनाती है तो उसकी अकेले की मोनोपोली है, अकेले का एकाधिकार है, तो वो जितने चाहे उतने रुपए में बेचेगी और जितना चाहेगी उतना मुनाफा इस पेन पर वो कंपनी कमाएगी। अब हमारे यहां बीज के क्षेत्र में ऐसा हो गया। पहले ऐसा होता था कि हमारे शेतकरी समाज बीज बनाते थे और बीज से बीज हमारे यहां हजारों साल से बनता चला आया। हमारे यहां परंपरा ऐसी रही है कि एक बार हमने खेती की, खेती में बियारण डाला, उस बियारण से उत्पन्न आया, उस उत्पन्न में से थोड़ा बियारण हमने अगले साल की खेती के लिए रख लिया, फिर उसको बियारण के रूप में डाला, फिर उत्पन्न आया, फिर तीसरे साल के लिए हमने बियारण उसमें से निकाल लिया, फिर चौथे साल के लिए, इस तरह से बियारण से बियारण, बीज से बीज बनता था। इसको सीड मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है और ये भारत में हजारों साल पुराना है। इससे खेती के हजारों बीज विकसित हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत दुनिया में अकेला देश है जहां की खेती में 150,000 से ज्यादा चावल के बियारण रहे, 150,000 बीज चावल के, सीड्स 150,000, गेहूं के हजारों किस्म इस देश में रहे, कापूस के सैकड़ों किस्म इस देश में रहे, ऊस के सैकड़ों किस्म इस देश में रहे। तो बीज में विविधता बहुत रही है और उस विविधता के आधार पर यह बीज बनते रहे और भारत में बिकते रहे। अब हमारे यहां क्या हो गया, गेट करार की शर्त के बाद पेटेंट का दायरा आ गया बीज में। अब व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई एक कंपनी बीज बनाएगी, जितने साल उसका पेटेंट बीज पर रहेगा दूसरी कोई कंपनी वो बीज नहीं बनाएगी, एक ही कंपनी का बीज है जो आपको खरीदना पड़ेगा और उपयोग करना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ, अमेरिका की बड़ी बड़ी बीज कंपनियां आ गई। एक अमेरिका की कंपनी आ गई, उसका नाम है पाइनियर। दूसरी अमेरिका की कंपनी आ गई, उसका नाम है सीजेंटा। तीसरी अमेरिका की कंपनी आ गई एली लिली। चौथी एक यूरोप की कंपनी आ गई यूनिलीवर।
ऐसी बीसियों बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बीज के क्षेत्र में आ गई और उन्होंने भारत के शेतकरी समाज के विकसित किए हुए बीज को अमेरिका और यूरोप में पेटेंट करवाना शुरू कर दिया और उस पेटेंट के आधार पर भारत में धंधा शुरू कर दिया। बहुत दुख होता है और अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए कि भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत में चावल का बियारण जो हजारों साल से चलता आ रहा था उस पर अभी पेटेंट अमेरिका की सीजेंटा कंपनी का है। इसी तरह से भारत के कापूस के बहुत सारे बियारण जो हजारों साल से शेतकरी समाज ने विकसित किए उस पर अमेरिकन कंपनियों ने पेटेंट एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो हमारे बियारण और अब विदेशी कंपनियों के पेटेंट के दायरे में, इस पेटेंट के दायरे का मतलब मैंने आपसे कहा कि बीज पर अगर किसी कंपनी का 20 साल का पेटेंट है तो वो कंपनी 20 साल तक उस बीज को बेचेगी और 20 साल तक उस पर मुनाफा वो कमाती रहेगी। भारत का कोई भी शेतकरी अगर उस बीज को बनाकर बेचने की कोशिश करेगा तो वो अमेरिकन कंपनी उस शेतकरी के खिलाफ मुकदमा करेगी और शेतकरी को जेल में डाल दिया जाएगा, उसको हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी और उसको नॉन अवेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाएगा। अब सोचो, मैं हजारों साल से एक बियारण बनाता हूँ, अपने क्षेत्र में वापरता हूँ, उसी पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया तो वो बियारण का सारा कंट्रोल अमेरिकन कंपनी के हाथ में चला गया, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। तो परिणाम क्या होगा? शेतकरी समाज जो बीज से बीज बनाता था और बीज के उत्पादन में स्वावलंबी होता था, अब वो शेतकरी समाज का सारा स्वावलंबन खत्म हो रहा है और वो सारा का सारा बीज अब मल्टीनेशनल कंपनी के कंट्रोल में चला गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? जब मल्टीनेशनल कंपनी के कंट्रोल में बीज चला गया तो बीज का भाव बढ़ गया। जो बीज पहले आपको 40, 50, 60 रुपए किलो मिल जाता था, अब उस बीज की कीमत हो गई 10,000 रुपए किलो, 15,000 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो, 25,000 रुपए किलो।